ओके, अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं, जिसका बेसिकली जो लिंक है आपने जो लास्ट दो लेक्चर्स पढ़े हैं उसके साथ है। आप भी सोच रहे होंगे मैम ने आते सारी पढ़ाना शुरू कर दिया है। एक्चुअली आपको भी पता है टाइम आपके पास थोड़ा है और टॉपिक्स आपके जो कवर अप करने हैं वो है मार्केटिंग का सिलेबस भी ज़्यादा है और टॉपिक्स भी ज़्यादा है। तो मैं फर्स्ट प्रेफर यही कर रही हूँ कि हम बजाय इसके कि मैं थोड़ा बताऊँ आपको, शॉर्ट टर्मिनोलॉजी में बताऊँ आपको, अगर इन डेप्थ में हम लोग जा सकते हैं उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, तो हम उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें। इसलिए मैंने आते सारी पढ़ाना शुरू कर दिया। आज बेसिकली हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है कंपेटिटिव डायनामिक्स। मीन्स टू से कि हमने जो पीछे पढ़ा ब्रांड इक्विटी के बारे में, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक जो ब्रांड है वो अपने जो एरिया जो डायनेमिक्स हैं कि जो एरिया है एरिया के अंदर अपने कंपेटिटिव का से कंपटीशंस करके किस तरह से एज हासिल कर सकता है। बेसिकली इस चैप्टर में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अगेन बाकी चैप्टर्स के अलावा, बाकी चैप्टर्स की तरह इस चैप्टर्स में भी आपके जो जो क्वेश्चनिंग मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड्स में मेंशन है। आप सबसे पहले इन क्वेश्चंस को ओवरव्यू करें। ओवरव्यू करने के बाद आपने चैप्टर को सुनना स्टार्ट करना है, फिर इंटरलिंक करना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अगेन मैं आपसे कह रही हूँ फाइनल टर्म की जब प्रिपरेशंस करें इन चीज़ों को माइंड में रखें, आपको फाइनल टर्म में कोई भी इशू नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन मार्केट लीडर एक्सपेंड द टोटल मार्केट एंड डिफेंड मार्केट शेयर। ठीक है, हाउ शुड मार्केट चैलेंजेस अटैक मार्केट लीडर, हाउ कैन मार्केट फॉरवर्ड्स और नीच कम्पीट इफेक्टिवली, व्हाट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आर अप्रोप्रिएट एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हाउ शुड मार्केटर्स एडजस्ट देयर स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स फॉर एन इकोनॉमिक डाउनटर्न और रिसेशंस। इन क्वेश्चंस के बारे में बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक हाइपोथेटिकल मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो हमारी यू कैन से के एक्सपेंड हुआ इन द मार्केट। ठीक है, उसमें क्या होता है बेसिकली एक कुछ मार्केट्स होती हैं जो लीडर होती हैं। ठीक है, लीडर मार्केट मीन्स हु ओन्स मैक्सिमम शेयर्स इन द मार्केट। जो आप लास्ट वन देखें इस मार्केट, इसमें देखें ओनली 10%। ठीक है, तो यू कैन से द मार्केट्स हु ओन्स ओनली मिनिमम शेयर्स इन द मार्केट। मैक्सिमम कौन से हैं? मार्केट जो लीडर मार्केट होती है उनके पास होते हैं, और जो मिनिमम होते हैं वो निच मार्केट के पास होते हैं। और ये जो मार्केट चैलेंजर और मार्केट फॉलोअर्स हैं ये बिटवीन आते हैं किसके, मार्केट लीडर और निच मार्केट के। अगर इसको हम लोग एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में इकट्ठा बनाएं या ड्रा करें उसको कहते हैं हाइपोथेटिकल मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बताने का पर्पस क्या है इसके अंदर, जबकि हमने क्वेश्चंस तो बेसिकली स्टार्ट ही मार्केट लीडर से किए हैं। जब मार्केट लीडर की बात होती है, मार्केट शेयर शेयर की बात होती है, तो मार्केट शेयर ऑन द बेसिस ऑफ शेयर जो मार्केट मैक्सिमम जो है वो ऑन करती है मार्केट शेयर, तो उसको हम लोग कहते हैं मार्केट लीडर। तो इन शॉर्ट हाइपोथेटिकल मार्केट स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस किए बगैर इनको डिस्कस करें तो हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इनको करने का पर्पस क्या होता है कि देखा जाए कि मार्केट में क्या कंपटीशन चल रहा है। कंपेटिटिव डायनेमिक्स से रिलेटेड हमें सबसे पहले हाइपोथेटिकल मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन इज व्हेन मैनी स्मॉल फर्म्स कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर। ओके, एक्सपेंडिंग द टोटल मार्केट, यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स है आपके पास जो कि आप लोग खुद पढ़ेंगे, और मैं चाहूँगी कि आप लोग खुद पढ़ें और मुझे इसको समझाएं, ताकि मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स जो है इसके ऊपर लिख दिए हुए हैं ताकि आपको इशू ना हो। एक कॉफ़ी के बारे में बात हो रही है, कॉफ़ी पॉट मार्केट के बारे में। उसकी जो एनालिसिस की रिपोर्ट थी 2020 की, डिलीवर दैट लेटेस्ट इंडस्ट्री डाटा एंड फ्यूचर ट्रेंड लेटिंग यू टू रिकोगनाइज द प्रोडक्ट एंड एंड यूजर which drives the revenue growth and profitability, the coffee pot report listed the top competitor and delivered the strategic insight. Means to say 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्रियल डाटा फ्यूचर ट्रेंड को देखते हुए कहा गया कि ये मार्केट लीडर जो है ना मार्केट के अंदर आ रही है। मतलब मीन्स टू से इन्होंने इस हद तक अपनी जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपेंड कर दिया गया।
यू नो दैट इन लास्ट 4 to 5 months COVID-19 की वजह से मैक्सिमम जो हमारे जो ये बिवरेजेस थी या जो कॉफी और इस तरह की पॉट आइटम्स थी उनकी जो थी वो सेलिंग थी वो बहुत हद तक एक्सपेंड हो गई थी. मींस के कहा जाता था कि ड्यू टू हॉट वाटर हम मुसलसल जो पानी गर्म पियेंगे उससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो लोगों ने इस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा शुरू कर दी थी. मतलब दिन में जब भी पानी की जगह पे इसको पीना स्टार्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ कॉफ़ी ना स्मॉल उसमें उसके अंदर कप्स में जब भी पानी की तलब हुई स्मॉल कप्स में वो पीना शुरू कर दिया. तो उससे क्या हुआ ये जो है जब इस पर एनालिसिस किया गया 2020 में तो पता चला कि ये जो प्रोडक्ट की जो रेवेन्यू ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर या लास्ट फ्यू मंथ्स बहुत एक्सपेंड हो गई. ठीक है. The report deducts several key companies of the market. It helps the reader understand the strategies and collaborations that players are expect in combat competitions within the market. The report provides a big micro look into the coffee pot industries. The reader can identify the footprint of the manufacturer by knowing about the worldwide market revenue and manufacturers, the global price of the manufacturers and sale of manufacturing during the coffee pot market forecast period. मीन्स टू से कि हम जो भी इस तरह के जब हालात पैदा होने वाले होते हैं कुछ ना कुछ अगर हमें पता हो अवेयरनेस हो इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल आप उसको भी छोड़ें इन्हीं 4 to 5 months में जब हमें बताया गया था कि हो सकता है आपको बाहर खाने पीने का सामान जो है या बाकी जो आइटम्स चीज़ें हैं वो अवेलेबल ना हो. अगर अवेलेबल हों तो स्पेसिफिक प्लेसेस पे हों या आप ऑनलाइन जो है ना वो मंगवा सकते हैं. तो क्या हुआ लोगों ने ऑलरेडी इकट्ठा 2-3 months का जो सामान था वो लेके स्टोर करना शुरू कर दिया जिससे क्या होगा मार्केट में उन चीज़ों की क्या होगी शॉर्टेज हो गई. तो जिन चीज़ों को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे उनमें बेसिकली कॉफ़ी पॉट जो मार्केट थी वो बहुत ज़्यादा छाई हुई थी. मीन्स रीजन यू हैव टू ड्रिंक हॉट वाटर इन COVID-19 इन द लास्ट 4 months. तो दैट्स द रीज़न कि इन मंथ्स में जो मार्केट है ना कुछ मार्केट्स ने बहुत एक्सपेंड किया कुछ मार्केट ने एक्सपेंड नहीं किया. ठीक है. ओके नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्टिंग मार्केट शेयर. हमने जब हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर की बात की है तो अगर हम लोग प्रोटेक्टिंग मार्केट शेयर की बात ना करें तो हाइपोथेटिकल जो हमने स्ट्रक्चर की बात की है वो इनकम्प्लीट होगा क्योंकि हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो बनाया ही जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट शेयर. मार्केट का जो शेयर है उसकी बेस से बनाया जाता है कि लीडर मार्केट तब होती है. लीडर मार्केट को लीडर तब कहा जाता है कि जब वो मैक्सिमम ऑन करती हो मार्केट शेयर को. ठीक है. तो किस तरह से जो एक लीडर मार्केट है या निच मार्केट है या कंपेटिटिव मार्केट है वो किस तरह से जो है अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करती है दो तरीकाकार होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिव एंटीसिपेशन एंड क्रिएटिव एंटीसिपेशन. रिस्पॉन्सिव एंटीसिपेशन जो है ये स्ट्रेटजी है इज अ लॉन्ग टर्म फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच एंड ओवरऑल गेम प्लान फॉर एनी सुपीरियर पोजीशंस द प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफेंड द मार्केट सेगमेंट सर्व एज द एक्सटेंट टू विच द प्रोडक्ट मार्केट कैन बी आइसोलेटेड देयर स्ट्रेटजी इज टू डेवलप एंड बिल्ड द सेगमेंट एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम इट्स रीजन. क्रिएटिव मार्केटिंग इज profitability using the result of studying short term and long term needs of those. Responsive anticipation mein sirf aap log dekhe long term and forward looking approach jo hai na wo follow ki jati hai jabki niche aap dekh sakte hain short term and long term dono ki needs ko kya kiya jata hai anticipate kiya jata hai. Paid semi productive in the past marketing practices tended to be seen as a creative industry which including advertising distribution selling and organization objective should be anticipated the needs. ठीक है. आप ऊपर वाले में क्या कर सकते हैं सिर्फ अरुवियन से प्रोटेक्शन के लिए सेगमेंटेशन बिल्ट अप कर देते हैं सेगमेंट को बिल्ड करने के लिए स्ट्रेटजीज डिवेलप करते हैं जबकि नीचे आप लोग क्या करते हैं आप लोग सेमी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसको जो मार्केट जो ऑलरेडी ट्रेंडिंग में है ना उसको प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजिंग करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग कर रहे होते हैं. जो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ डिफेंसिव स्ट्रेटजीज. अब टाइप्स ऑफ डिफेंसिव स्ट्रेटजीज डिफेंसिव है क्या डिफेंसिव स्ट्रेटजीज क्या है ऊपर आप डायग्राम में देख सकते हैं. अटैकर्स होते हैं मार्केट के अंदर. अटैकर्स क्या करते हैं वो इन टाइमिंग का वेट कर रहे होते हैं
जिस तरह के हालात मार्केट में जिस मतलब नजर आना शुरू हो जाते हैं, ये जैसे आजकल गोल्ड की प्राइसेस टू मच जो है वो हायर हो रही है, तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों ने बजाय इसके प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की जाए, स्टॉक एक्सचेंज में की जाए, लोगों ने अपनी 90% जो इन्वेस्टमेंट्स है वो गोल्ड में कर दी हुई है। आजकल मार्केट में गोल्ड अवेलेबल नहीं है, अगर मार्केट में गोल्ड अवेलेबल है तो वो इतनी हाई प्राइसेस का है कि आम कस्टमर्स के लिए पहनना मुश्किल हो चुका है। बिफोर फेब जो अगर हम लोग एस्टिमेट लगाएं, जब COVID-19 स्टार्ट हुआ था इन अदर कंट्रीज नॉट इन पाकिस्तान, एट दैट टाइम द गोल्ड प्राइस इज 89 एंड विद इन 15 to 20 days, ठीक है, जब पाकिस्तान में कोरोना एंटर नहीं हुआ था, विद इन 20 to 40 days क्या हुआ कि गोल्ड की प्राइसेस डाउनवर्ड ट्रेंड में गई और जो गोल्ड की प्राइसेस थी 69 पे पहुंच गई चुकी थी। बट जैसे ही कोरोना COVID-19 का एक पेशेंट पाकिस्तान में एंटर हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग द प्राइसेस ऑफ गोल्ड मूव अपवर्ड। लोगों को पता था कि अब इनकी प्राइसेस अप होंगी, लोगों ने इसको सेल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, जो लोग सेल कर रहे थे कि प्राइसेस अप हो रही हैं, जिनको तो पता था उन्होंने गोल्ड को परचेज करना शुरू कर दिया, मार्केट से उठाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने उठा लिया, अब ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग ऑफ द गवर्नमेंट कि डॉलर की प्राइसेस को नीचे लाने के लिए लोग गोल्ड को परचेज कर रहे हैं, जितना ज़्यादा गोल्ड पाकिस्तान के अंदर ऑन द हैंड ऑफ द कस्टमर्स या पीपल होगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे डॉलर की प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। इन फ्यूचर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एट फेब 2021 द गोल्ड प्राइसेस एट ओवर हाई पीक मीन्स टू से राउंड अबाउट 4 lakh पर तोला ग्राम 10 ग्राम, ठीक है। तो मीन्स टू से कि जिन्होंने पहले से परचेस किया होगा 54,000 का 10 ग्राम 12 ग्राम, तो अब अगर वो इसको सेल करेंगे तो पर ग्राम के पीछे उनको 4,50,000 3,50,000 क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो कुछ इस तरह के अटैकर्स होते हैं जो अटैक कर रहे होते हैं डायरेक्टली मार्केट के अंदर, उनका पर्पस क्या होता है, चले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें किसके बारे में बात होती है, कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में, फिर फ्लैंग के बारे में, उसके बाद नेक्स्ट डिफेंडर, नेक्स्ट उसके बाद बात होती है प्रिवेंटिव के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शंस डिफेंस के बारे में, काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस के बारे में, लास्ट पे हम लोग बात करते हैं मोबाइल के बारे में। मीन्स यूज बाय कंपनीज इन मार्केट लीडरशिप पोजिशंस टू डिफेंड देयर मार्केट शेयर फ्रॉम अटैकर बाय चैलेंजर्स। 6 कॉमन डिफेंडर स्ट्रेटजीज, द पोजिशन डिफेंडर, फ्लैंकर डिफेंडर, प्रीएम्पटिव डिफेंस, काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस, मोबाइल डिफेंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस डिफेंस। अच्छा, अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पे 3 स्ट्रेटजीज के बारे में बता रही हूँ, बाकी स्ट्रेटजीज बहुत ही सिंपल हैं, वो मुझे आप सर्च आउट करने के बाद बताएंगे इन ग्रुप कि आपने उसके बारे में क्या पढ़ा, ठीक है। मैं बेसिकली आपको चेक करना चाह रही हूँ कौन से बच्चे इन टच हैं लेक्चर्स के साथ और कौन से बच्चे इन टच नहीं हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्लैंकिंग डिफेंस के बारे में। A competitive market strategy is in which the market leader attempt to identify and strengthen its own weak point. अपने ही weak point को strengthen दे रहा होता है. Commonly graphical areas or market segment in which it's underperforming before a smaller rival can mount an attack against it. ठीक है? जैसे ही पता चला कि इस तरह के हालात पैदा होने वाले हैं, आपने देखा होगा जितने भी स्मॉल जो सेलर्स थे जो सेल करते थे ऑन द बेसिस ऑफ मतलब डेली बेसिस की अर्निंग की ऑन द बेसिस ऑफ डेली बेसिस जैसे वेजिटेबल्स हो गए फ्रूट्स हो गए, जब उनको पता चला कि फ्रूट मार्केट और ये सारा कुछ बंद होने लगा है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब गलियों में जाके वेजिटेबल्स को सेल करना शुरू कर दिया डेली बेसिस पे। उससे क्या हुआ कि आगे आप लोग रूटीन देखी होगी फॉर ये जो 4 to 5 months जो रूटीन से पहले की जो रूटीन थी, बहुत रेयर होता था कि कोई वेजिटेबल्स वाला आपकी गली में वेजिटेबल्स सेल कर रहा हो। राउंड रैंडमली भी अगर देखा जाए 1 या 1 या 2 आएंगे रैंडमली, उसके अलावा नहीं होता था। बट
इन 4 to 5 months में यू कांट इमेजिन के विद इन 10 minutes, विद इन 30 minutes, मतलब आप जब भी देखें आपको गली में कोई ना कोई ऐसा नजर आ रहा होता था। पर्पस क्या था कि उन्होंने अपने वीक पॉइंट को स्ट्रेंथ किया कि अब इस पीरियड में जो है बेहतर हल यही है, अगर आपने सर्वाइव करना है तो इन चीज़ों को फोकस किया जाए। ठीक है, तो फ्लैंकिंग डिफेंस का मतलब है किस तरह से हम लड़ रहे होते हैं, डिफेंस कर रहे होते हैं इस इन्वायरमेंट से निकलने के लिए। सेकेंड है काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस, अ कम्पेटिटिव स्ट्रेटजीज इन विच अ स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडर गेज अ स्मॉलर राइवल विच हैज अटैक इन द माइनर ऑफ रिटेलिएशन माइट इंक्लूड अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, द प्राइस कटिंग और द ओके। काउंटर ऑफेंसिव, काउंटर का मतलब होता है अटैक करना, ऑफेंसिव काउंटर ऑफेंसिव का मतलब है कि आपने काउंटर अटैक किया। काउंटर अटैक जैसे हम लोग कोई एक पर्सन बात कर रहा हो आपकी क्लास में और जो सेकंड पर्सन है वो उठ के उसी की बात को उसी के ऊपर, जैसे एक फ्रेंडशिप होती है, फ्रेंड्स को एक दूसरे के वीक पॉइंट का पता होता है, जैसे ही आपको पता चला कि आपका जो फ्रेंड है उसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं या उसके पीछे क्या रीज़न है, तो आपकी कोशिश होती है आपको आप किसी तरह से उसको डिग्रेड करें, किस तरह से उसको बीट करें, किस तरह से आप नंबर ज़्यादा ले सकते हैं उससे, जितने मर्जी क्लोज फ्रेंडशिप हों। जब इस तरह की बात आप में आ जाती है तो फ्रेंडशिप तो ख़त्म हो गई। उसके बाद अगर आप ऊपर ऊपर से बेशक करते रहें लेकिन अंदर से पटाए जिससे ये होते हैं कि किस तरह से मैं इसके वीक पॉइंट से फ़ायदा उठा के इस पर काउंटर अटैक कर सकता हूँ। तो बेसिकली काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस भी यही चीज़ है। ठीक है, कि मीन्स उसे वो अटैच रहते हैं मार्केट के साथ, क्या हो रहा है, क्या चीज़ इन है, क्या चीज़ आउट है, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलता है उसी से फ़ायदा उठाते हैं, उन पर काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस जो है वो कर देते हैं। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्शंस डिफेंस, अ कम्पेटिटिव स्ट्रेटजीज इन विच अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस विदड्रॉ फ्रॉम अ मार्केट और मार्केट सेगमेंटेशन इन विच इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू कंसनट्रेट ऑन एन अदर मार्केट और अदर सेगमेंट इन विच इट हैज़ ग्रेटर स्ट्रेंथ, इट हैज़ डिफरेंस टू द स्ट्रेटजिक विड्रॉल। मीन्स टू से कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब है कि वो सेग्रीगेट कर लेता है मार्केट को, अपने आप को विड्रॉ कर लेता है मार्केट से, जब लगा कि हालात इस तरह से हैं, जैसे COVID-19 में देखा होगा आपने क्लोथिंग का जैसे ब्रांड था या कुछ इस तरह से जो शॉप्स कहा गया था ड्यूरिंग लॉकडाउन जो है वो बंद रहेंगी, तो उन्होंने अपने आप को इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हुए कंस्ट्रक्ट कर लिया था। ठीक है, कि हम ये स्ट्रेटजीज फॉलो करेंगे और फिर हम लोग ऑनलाइन जो काम करेंगे तो हमें ऑनलाइन में ज़्यादा बेनिफिट है बजाय इसके हम ये वाला काम करें। मीन्स टू से कि कौन सी स्ट्रेटजीज बनाई जाएँ जिससे आपको जो है अपने कंपेटिटर के जो डायनेमिक्स हैं उससे फ़ायदा उठाते हुए अपनी जो सेल है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। इन शॉर्ट द पर्पस यही होता है कि हमने अपनी सेलिंग को किस तरह से इंक्रीज करना है। ओके, द नेक्स्ट वन है द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमल मार्केट शेयर, भी मार्केट शेयर की बात हो रही है। मार्केट शेयर इज अ परसेंटेज ऑफ अ मार्केट डिफाइन इन टर्म ऑफ ईदर यूनिट और अ रेवेन्यू, यूनिट या रेवेन्यू के फॉर्म में शो किया जाता है, अकाउंटेड फॉर बाय अ स्पेसिफिक एंटिटी, किसी खास किस्म की एंटिटीज के लिए। खास किस्म की एंटिटीज क्या है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना। ऑप्टिमल मार्केट शेयर का पर्पज ही क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी को शेयर करना। मार्केट में जितना ज़्यादा आपका शेयर होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेंड होगा, उतनी ही ज़्यादा आपके ब्रांड की प्रॉफिटेबिलिटी या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, उसके बाद है मार्केट चैलेंजर स्ट्रैटेजीज। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 4 तरह की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं। फर्स्ट में आप लोगों ने पढ़ा था मार्केट लीडर के बारे में, मार्केट लीडर का जब भी लिंक है इट मींस मार्केट शेयर की बात हो रही है। उसके बाद आप लोगों ने लिस्ट मार्केट पढ़ा था, वो हम लास्ट में पढ़ रहे। सेकंड वाला जो हमने पढ़ी थी ऑप्शंस वो थी मार्केट चैलेंजर स्ट्रैटेजीज। हम जो सेकंड स्टेप है उस पर हम मूव कर रहे हैं, मैं आपको दोबारा से इंटरलिंक कर दूँ यहाँ पे। फर्स्ट में हम लोगों ने जिसके बारे में बात की थी मार्केट लीडर की, मार्केट लीडर की बात हो और मार्केट शेयर की बात ना हो इम्पॉसिबल है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड वन जो है वो मार्केट चैलेंजर है, जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। इस तरह से बच्चे आप भी इंटरलिंक करेंगे। ओके, मार्केट चैलेंजर स्ट्रेटजीज 2 तरह की होती हैं। इसमें आप 2 तरह से अटैक कर सकते हैं, एक होता है जनरल अटैक, एक होता है स्पेसिफिक अटैक। जनरल अटैक मीन्स टू से कि वो तरीकाकार जो हर बंदा फॉलो कर रहा होता है, हर शॉपकीपर फॉलो कर रहा होता है फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, नॉट फॉर अर्निंग एट अ बिग अमाउंट इन दिस कोविड 19 4 to 5 months।
मीन्स जो से कुछ लोग ऐसे थे कि जो बस कह रहे थे कि चलिए कुछ ना सही कितना होता रहे कि हमारा जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल रहे, हमें किसी से कुछ लेना ना पड़े, मार्केट में हम लोग एग्जिस्ट भी रहें और ये भी होता रहे। बट स्पेशल अटैक स्ट्रेटजीज क्या थी जिसमें कुछ इस तरह के इकदाम किए जाएँ, इस तरह के स्टेप्स लिए जाएँ कि हम लोग इस मार्केट से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ओके, जनरल अटैक स्ट्रेटजी 6 तरह की होती हैं। सबसे पहले फ्रंटल अटैक, फ्लैंक अटैक, सर्कल अटैक, बाईपास अटैक एंड गुरिल्ला अटैक। ठीक है, ओके। फ्रंटल अटैक मतलब मीन्स टू से हेड ऑन कंपटीशन यूजली अंडरटेक बाय द लार्जेस्ट कंपेटिटर। ठीक है, बड़े लेवल के जो कंपेटिटर होते हैं, हु हैव द मस्कुलर, हु हैव मसल्स, रिसोर्सेज टू एंगेज इन प्रोलॉन्ग प्रमोशन फॉर द प्राइसेस वॉर्स। जिनके पास इतना रिसोर्सेज होते हैं, इतना सरमाया होता है कि वो अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशंस के लिए जो है मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। जैसे ब्रांडिंग, क्लोथ की जो ब्रांडिंग्स है उसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, फीमेल क्लोथिंग के या जो रोड कर लें मेल की कर लें। ठीक है, इनके पास ऑलरेडी इतना रिसोर्सेज होता है इनके बैकअप पे कि ये क्या कर सकते हैं, उसको रिस्टोर कर सकते हैं। फ्लैंक अटैक, अटैक द कम्पटिशन ऑन इट्स वीकेस्ट स्पॉट्स। ठीक है, इसमें यह होता है कि जो आपका कंपेटिटर है उसका जो वीक पॉइंट है वहां पे जाके आप अटैक कर रहे होते हैं। ठीक है, वीक पॉइंट सबसे बड़ा क्या था इन लास्ट 4 to 5 months में, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारे डिस्टर्ब हो गए थे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है कि मीन्स उसे लोगों के लोग कुछ जो जैसे बिजनेस थे वो टोटली डिपेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही अवेलेबल नहीं थे, वो ऑनलाइन वर्किंग भी कर लेते, ऑनलाइन वर्किंग किस पे करते जब उसकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रही थी। इट मीन्स ये जो फ्लैंक अटैक है ये बेसिकली जो किया जाता है, जो कंपेटिटर है हमारा उसका वीक पॉइंट, जैसे एक कंपेटिटर का वीक पॉइंट है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है चैनल जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसको वो वीक पॉइंट से फ़ायदा उठाते हुए किस तरह से उस पर अटैक किया जाता है। इन सर्कल इसमें यह होता है कि आप जो हैं जो अपने कंपेटिटर हैं उस पर एक एक्सपेक्ट से अटैक नहीं करते, बाकी मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजीज की बेस पे कर रहे होते हैं। ठीक है, ऊपर जैसे है कि एक वीक पॉइंट को आपने देखा, पीछे आप देख सकते हैं एक से ज़्यादा वीक पॉइंट है, जैसे लोगों की इनकम कम हो गई है, लोग इतनी महंगी चीज़ों को परचेज नहीं करेंगे, आपने चीज़ें उस क्वालिटी के बनाना शुरू कर दी चीप रेट की, चीप क्वालिटी की, कि लोगों अब इस इन्वायरमेंट में ये भी परचेज कर लेंगे। ठीक है, बाईपास अटैक, प्लान टू एंटर मार्केट नॉट करंटली कंसीडर्ड बाई कंपटीशन, क्रिएट ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी फॉर द नेक्स्ट वॉर। ठीक है, इसमें आप करते हैं, आप कंपटीशन में तो शामिल हो जाते हैं लेकिन आप इसलिए शामिल नहीं होते कि आप फौरन जिसको गिरा सकें, आप आहिस्ता आहिस्ता जो नेक्स्ट आने वाली आपकी वॉर है उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। जैसे कि आप बोर्ड के फॉर एग्जाम्पल पेपर दे रहे हैं और आपसे पहले जो बच्चे हैं, जैसे आजकल की रूटीन हो चुकी है 9th class के पेपर डिले हो चुके हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, 10th class की जो बच्चे तैयारी करना स्टार्ट हो गए हैं, मे बी सितंबर में क्या हो कि गवर्नमेंट कहे कि आप 9th class के पेपर दोबारा लें 10th class के पेपरों के साथ, तो क्या होगा कि इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो कुछ बच्चे जिनको पता है कि कुछ भी हो सकता है, वो अपने आप को जो ये पेपर्स आने वाले हैं 9th के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, मीन्स उसे उस आने वाली वॉर के लिए खुद से पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन एट द स्पॉट वो अटैक नहीं करते। गुरिल्ला अटैक यूज बाय स्मॉलर कंपेटिटर टू अटैक बाय सरप्राइज टू अपसेट स्ट्रेटजीज फॉर लार्जर रिवाइवर सर्वाइवल कम विदड्रॉ फ्रॉम द अटैक अनदर डे। मीन्स उसे जो स्मॉलर कंपेटिटर होते हैं वो जो होते हैं हैरान कर देते हैं, ये अपसेट कर देते हैं लार्जर कंपेटिटर को कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बना के जिससे उनकी जो सेल है उनको डिक्रीज किया जाए। स्पेसिफिक अटैक स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले है प्राइस डिस्काउंट। आपने मार्केट में देखा कि एक चीज़ हमारे कंपेटिटर एक ही प्रोडक्ट के सेम हमारे कंपेटिटर काफ़ी अवेलेबल है एक मार्केट में, आप अपनी सेल को इंक्रीज करना चाहते हैं, आप अचानक से आपने रात को सोचा बगैर मार्केट को वो किए, आपने सुबह आके आपकी एक प्रोडक्ट की प्राइस थी 20 और मार्केट में प्रिवेल कर रही 20, 21, 22, आप नेक्स्ट डे आते हैं और आके अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको कम कर देते हैं और लिख देते हैं एक बैनर से लग गया डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट 50% डिस्काउंट, ठीक है, परचेज दिस प्रोडक्ट फ्रॉम माई स्टॉल एट 50% डिस्काउंट, तो क्या हुआ आपकी जो सेल है वो ऑटोमेटिकली
जो है वो बूस्टअप कर जाएगी। और ये स्पेसिफिक अटैक होता है, खास किस्म का अटैक होता है जो, ठीक है, उससे क्या होता है अगर 1 वीक भी अगर वो अटैक इस इनका अटैक मेंटेन हो जाता है, तो 1 वीक का मतलब है कि जो बाकी कस्टमर है ब्रांड के उसको आपने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। उसके बाद है लो प्राइसेस गुड्स, प्राइसेस की अगर कस्टमर डिमांड कर रहा है लो प्राइसेस में, क्वालिटीज की लो कर दी जाए। वैल्यू प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज, लो प्राइसेस एंड हाई क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद है प्रेस्टीजियस गुड, हाई क्वालिटी एंड हाई प्राइसेस, प्रोडक्ट प्योरिफिकेशन, लार्ज प्रोडक्ट वराइटी, प्रोडक्ट इनोवेशन, इनोवेशन, ठीक है, एंड ब्रेक थ्रू प्रीमियम, इम्प्रूव सर्विसेज, न्यू एंड बेटर सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन, डेवलपिंग एंड न्यू चैनल, मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट रिडक्शन, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, इंटेंसिव एडवर्टाइजिंग प्रमोशन, इंक्रीज स्पेंडिंग, ठीक है। तो कुछ खास किस्म की स्ट्रेटजीज हैं, वेरी क्लियर हैं, इनको आप एक दफ़ा देखेंगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको समझ अच्छे से आ रही होगी। नेक्स्ट जो हमारी जो मार्केट थी, सबसे पहले थी मार्केट लीडर, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया मार्केट शेयर के बारे में। देन जो उसके बाद हमारी मार्केट थी मार्केट चैलेंजर्स, ठीक है। जो थर्ड वन थी वो थी मार्केट फॉलोअर स्ट्रेटजीज। मार्केट फॉलोअर स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं, बेसिकली इट्स अ फोर जो है मार्केट फॉलोअर स्ट्रेटजीज। द फर्स्ट वन इज अ काउंटर फिलर, सेकेंड वन इज अ कॉलिंगर, थर्ड वन इज अ इमिटेटर, द फोर्थ वन इज अ अडेप्टर, ठीक है। अच्छा, काउंटर फिलर का मतलब है कि जब एक ब्रांड है उसने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, आप सेम एज इट इज उसके प्रोडक्ट को लॉन्च करके अपना नाम दे दें, इट्स इनलीगल, ठीक है। उसके बाद कॉलिंगर में क्या करते हैं हम, इल्यूमिनेशन ऑफ लीडर्स प्रोडक्ट नेम एंड पैकेजेस, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप प्रोडक्ट को सेम बना देते हैं बट उस प्रोडक्ट का नेम पैकेज, जैसे फर्स्ट रेप्लिका आप कह लें, ठीक है, एक ब्रांड ने बनाया आप उसका रेप्लिका बना देते हैं। जब आपने रेप्लिका बना दिया आप उस प्रोडक्ट को अपना नाम भी दे सकते हैं और पैकेज भी अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं ताकि आपकी जो मार्केट है उसमें आपका नाम मेंटेन हो सके। अच्छा जी, अब कार मैन्युफैक्चर, इमिटेटर का मतलब है आपका जैसे कार एक है, कोई भी जो कंपनी है वो जब कार बनाएगी तो कार का स्ट्रक्चर सेम होगा, ठीक है। बेशक बॉडी शेप हल्की फुल्की चेंज होती जाए बट जो उसमें मटेरियल इस्तेमाल होगा वो सबका सेम होगा, ठीक है। अब आप उसमें जो है ऑन द बेसिस ऑफ रेंज जो है उसमें जो है आप वो वैरायटी चेंज करते जाते हैं बट क्या होता है कि जो आपका स्टाइल होता है ना वो क्या होता है, वो सेम होता है। उसके बाद अडेप्टर, मैनी फर्म्स आर एक्सीलेंट अडेप्टर इनिशियली बिफोर डेवलपिंग इनटू चैलेंजेस एंड इवेंचुअली लीडर्स, ठीक है। उसके बाद जो होता है बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं कि ये जो चेंज होता है इसको एज अ चैलेंज लेती हैं और जो फॉलो चैलेंज लेके सेम एज इट इज़ ब्रांड की तरह चीज़ें बना के ब्रांड की जो सेलिंग है उसको डिक्रीज करके अपने सेलर को इंक्रीज कर लेते हैं। फॉलोअर्स का मतलब भी यही है कि किस तरह से आप ब्रांड को फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी करके आप अपनी प्रोडक्ट को बनाते हैं। इस तरह से अब इन 4 to 5 months में हम लोग जो जो बहुत सीवियर किस्म के जो पेशेंट्स होते थे उनके लिए वेंटिलेटर रिक्वायर्ड थे, तो क्या होता वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं थे, तो पाकिस्तानी माहिर हैं 2 नंबरी में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेंटिलेटर बना दिया और वेंटिलेटर भी ऐसा कि एक वेंटिलेटर पे एट अ टाइम 5 to 7 जो थे पेशेंट्स वो वेंटिलेट हो सकते थे, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट हो सकता था। ओके, नेक्स्ट है मार्केट नी स्ट्रेटजीज, ठीक है। फोर्थ वन की बात अब हो रही है, नी स्ट्रेटजीज का मतलब होता है जिनके पास मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं मार्केट में, ठीक है। स्मॉल जो होती है मार्केट्स उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री इंक्लूड फर्म्स दैट स्पेशलाइज इन सर्विसेज मार्केट नीड्स इंस्टेड ऑफ परस्यूइंग द होल मार्केट ऑन लार्ज सेगमेंट्स, ठीक है। सेकंड है नीच आर द ऑफन स्मॉलर फर्म दैट लिमिटेड रिसोर्सेज। थर्ड वन व्हाई इज नीच प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल कैसे हैं कि जो मोस्टली जो है चीज़ें जो होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं डेली लाइफ में वो जो स्मॉल अमाउंट में हो, ठीक है, जैसे सोप हो गया, कोलगेट हो गई, इस तरह से आप टूथपेस्ट आपकी, उसके अलावा शैम्पू हो गया, मतलब वो चीज़ें जो डेली रूटीन में आप यूज़ करते हैं, ठीक है, मैचेस हो गई, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो नीच मार्केट स्ट्रेटजीज में आ रही होती हैं। उसके बाद है नीच ट्राई टू फाइंड वन और मोर मार्केट नीच दैट आर सेफ एंड प्रॉफिटेबल, ठीक है। इसमें मतलब ये वो मार्केट सर्च आउट कर रहे हैं जो
जो सेफ भी हो प्रॉफिटेबल भी हो एंड आइडिया मार्केट नीच इज अ बिग एनफ टू बी प्रॉफिटेबल एंड हैज ग्रोथ पोटेंशियल्स, इसमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जबकि बड़ी मार्केट के लिए आपको एक हैवी अमाउंट इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, आप मार्केट को टारगेट करते हैं, नेक्स्ट आप देखते हैं कि आपको किस तरह से प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हो, अपनी जो प्रोडक्ट है उसको मोटिवेशनल मोटिवेट करने के लिए एडवर्टाइज करने की ज़रूरत है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको मुसलसल नज़र में रखनी पड़ती है। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, आपने रात को सोचा, आपने फॉर एग्जांपल स्टिचिंग की, स्टिचिंग करके आपने बाहर जैसे रोड पे खड़े हो गए, आप फीमेल ने आपके घर में या स्टिचिंग की, आपने स्टिचिंग करके आप रोड पे खड़े हो गए और आप उसको सेल करना शुरू हो गए, मार्केट गए, आपने वही ड्रेस परचेज किया 1500 का, आपने उसको स्टिच जितने तरीके से किया, फिर आप उसको 2500 3000 में सेल कर रहे हैं, 1500 क्या हो गई आपकी सेविंग हो गई। तो इस तरह से जो होती हैं ये मार्केट नीचे मार्केट होती हैं स्ट्रेटजीज बनाती हैं और मार्केट को क्या करती हैं कैप्चर करती हैं। उसके बाद है कुछ स्पेशलिस्ट किस्म के, मतलब स्पेशल रूल्स होते हैं इस मार्केट के, एंड यूजर स्पेशलिस्ट, वर्टिकल लेवल स्पेशलिस्ट, कस्टमर साइड स्पेशलिस्ट, ये बच्चों आप लोगों की असाइनमेंट्स हैं। नीच स्पेशलिस्ट रूल जो हैं ये आप लोग मुझे 2 पेजेस पे राइट डाउन करके, ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए मुझे आपकी, 2-3 लाइन्स लिख के इन सब के बारे में मुझे आप सेंड करेंगे। हाशिम एंड सिद्रा, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू कलेक्ट ऑल द असाइनमेंट्स एंड सेंड मी आफ्टर रिसीविंग दिस लेक्चर विद इन अ 1 वीक, ठीक है। लेक्चर रिसीव होने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपने मुझे ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है, और बहुत फोकस करेगा इस टॉपिक पे, मे बी आपके फाइनल टर्म्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सके, इसीलिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और असाइनमेंट बना के देंगे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसके बारे में हम बेसिकली हम लोग डिस्कस करने चाह रहे हैं, स्टार्टिंग में कोई भी जो प्रोडक्ट होती है जब वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ पोटेंशियल उसका क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ने के बाद एट द स्पॉट उसकी सेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, फिर जब एक चीज़ ट्रेंडिंग में टू मच आ जाती है उसकी सेल इंक्रीज, ट्रेंड हमेशा जिस भी चीज़ को ऊंचाई मिलती है उसके बाद उसकी जो ट्रेंडिंग डाउनवर्ड ट्रेंड है वो रिसेशन स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से कहते हैं एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल तब तक है जब तक वो ट्रेंड में है, ट्रेंड के बाद जब वो फेड में जाती है उसकी जो ट्रेंडिंग है वो क्या होना शुरू हो जाती है, डाउन, डिक्लाइन। तो 4 स्टेप बेसिकली जो होते हैं एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में वो कौन से, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। नेक्स्ट आप देखें कॉमन PSL पैटर्न ग्रोथ स्लम मैच्योरिटी, इसमें क्या होता है, इसमें सेल्स वॉल्यूम और टाइम आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें स्टार्टिंग में क्या हो जाती है, सेल हमारी स्लो हो जाती है, अप होने के साथ स्लो हो जाती है, कॉस्ट हाई पर कस्टमर होती है, प्रॉफिट नेगेटिव हो जाना होना स्टार्ट हो जाता है, ये जो आप डाउनवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं किस वजह से होना स्टार्ट हो जाता है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, क्रिएट मार्केटिंग अवेयरनेस एंड ट्रायल, प्रोडक्ट ऑफर अ बेसिक प्रोडक्ट, प्राइस, यूज कॉस्ट फार्मूला, डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्ड सिलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन हैवी टू प्रोडक्ट ट्रायल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस तरह की जब सिचुएशन पैदा हो जाती है तो जो हमारा पैटर्न है ना वो मेचोरिटी से डाउनवर्ड में जाना शुरू हो जाता है, ये भी सेम एज इट इज पैटर्न है, इस तरह से आप ये पैटर्न देख रहे हैं स्मूथनेस में जा रहा थोड़ा, ये फिर दोबारा से थोड़ा आप होने की कोशिश करता है इस साइकिल में, फिर डाउनवर्ड ट्रेंड में चला जाता है, ठीक है। ओके, ये भी आप एक पैटर्न देख सकते हैं जिसमें सेल मुसलसल इस तरह से अप ही अप हो रही है, एक ये 3 तरह के आप ये देख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सेल जो है वो ऊपर नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रही होती है। स्टाइल फैशन में क्या होता है, फैशन में ये होता है कि फैशन है साल 2 साल कुछ टाइम पीरियड के लिए एग्जिस्ट कर रहा होता है, क्योंकि फैड जो होता है ये फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, जैसे अगस्त का महीना है, अगस्त के महीने में आप देख रहे होंगे कि स्पेशल किस्म के क्लोथिंग, बैचेस, फ्लैग्स, इस तरह की चीज़ें जो आपको नजर आ रही होंगी, बट ओनली फॉर 1 मंथ, ठीक है। कुछ लोग तो 1 मंथ भी नहीं करते इसको, ओनली जस्ट यूज इट ऑन 14 अगस्त, स्पेशल 14 अगस्त तक, 14 अगस्त के बाद उसको वेस्टेज कर देते होते हैं। तो ये है कि प्रोडक्ट का जो जो है उसका प्रॉफिट है या उसकी सेल है, इट डिपेंड्स अपॉन द साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। अगर स्टाइल में है तो इन होगी बहुत ज़्यादा, पर वो स्टाइल अप हुआ फिर डाउन, बहुत ज़्यादा यूज में आएगा फिर अप फिर एंड डाउन। फैशन में है तो एक दफ़ा तो चढ़ेगा ऊपर लेकिन फिर डाउनवर्ड ट्रेंड में जाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जो प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए की जाती हैं, बट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो डाउनवर्ड ट्रेंड में आ जाती हैं। स्ट्रैटेजीज फॉर डेवलपिंग पायनियर एडवांटेजेस, पायनियर एडवांटेजेस हैं क्या, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन आर यूजली शार्प बाय द फर्स्ट एनकाउंटर्ड ब्रांड,
ठीक है, आप फर्स्ट टाइम किसी ब्रांड की चीज़ यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे होते हैं, सेटिस्फाइंग एंड अवेयरनेस बाय कंज्यूमर, आप उनको बहुत सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं, ऑर्डर ऑफ एंट्री बाय पायनियर एडवांटेज, पोजिशनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पायनियर बाय फर्स्ट एंट्री। आप क्या करते हैं कि फर्स्ट एंट्री के बाद आप कस्टमर को इस तरह से कैप्चर करते हैं कि वो बार बार आपकी शॉप्स पे ही आए लेने के लिए। ग्रोथ स्टेज स्ट्रेटजीज, ठीक है, ग्रोथ स्टेज स्ट्रेटजीज का पर्पज ही क्या होता है कि सेल को इंक्रीज किया जाए, कॉस्ट जो है वो पर यूनिट क्या हो, कम हो, प्रॉफिट रेजिंग बहुत ज्यादा हो जाए हमारी, जब हमारी सेल इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। उसके बाद हमारी जो मार्केट शेयर है उसको इंक्रीज किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, प्रोडक्ट को ऑफर किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, एक्सटेंड किया जाए, सर्विसेज प्रोवाइड की जाए विद वारंटी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कंसंट्रेशन स्ट्रेटजीज को यूज़ करना है प्राइस के लिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड इंटेंसिव स्ट्रेटजीज, प्रमोशनल स्ट्रेटजीज कुछ की जाए टू इंक्रीज देयर डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद ये एक एग्जाम्पल्स है, इसको भी आप देखेंगे। उसके बाद चेंजिंग ब्रांड कोर्स, ठीक है, चेंजिंग का मतलब है कि आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट में ऑन द पैसेज ऑफ टाइम चेंजिंग्स कर सकते हैं, मार्केट में देखें किस चीज़ की ट्रेंड ज़्यादा है, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करें, ठीक है। मार्केट में पहले तो मार्केट को मॉडिफाई करें, आप देखें इस मार्केट में इतने कस्टमर हैं इस चीज़ को परचेज करने के लिए, अगर नहीं है हमें दूसरी टारगेट मार्केट को टारगेट करना चाहिए। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, प्रोडक्ट में क्या चीज़ कस्टमर चाह रहा है, अब उस हिसाब से आप क्या करते हैं प्रोडक्ट में चेंजिंग करते हैं। मार्केट प्रोग्राम नोटिफिकेशन, प्रोग्राम क्या चल रहा है मार्केट में, लोगों का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, उसमें आप किस तरह से चेंजिंग करके अपने प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चेंजिंग ब्रांड कोर्स बेसिकली ये बताता है कि किस तरह से आप एक जो ब्रांड है वो अपनी प्रोडक्ट में चेंजिंग कर सकता है। डिक्लाइनिंग किस वजह से होती है, डिक्लाइनिंग जब सेल हमारी कम हो रही हो, हमारी पर यूनिट जो कस्टमर की कॉस्ट है वो कम हो रही हो, प्रॉफिट हमारा कम हो रहा है और रिटर्न्स हमारे कम हो रहे हैं। उसके बाद डाउनवर्ड ट्रेंड किस फॉर्म में शुरू होता है, जब हमारी इन्वेस्टमेंट जो हाई हो जाए और हम लोग जो हैं वो कस्टमर के क्लोज हो जाए। उसके बाद क्या होता है, अपने बजट को रिव्यू करें, कंपेयर करें अपनी वैल्यू को कि हमारी वैल्यू प्रपोजिशन क्या है मार्केट के अंदर, उसके बाद हम लोग ऑफरिंग करें उनको कि आप हमारी चीज़ों को परचेज करें। अ कंपेलिंग वैल्यू प्रपोजिशन, वैल्यू प्रपोजिशन के बारे में मैंने आपको डिटेल लास्ट लेक्चर में बताया था, आप एग्जाम्पल को इंटरलिंक करेंगे अपने इस टॉपिक के साथ। उसके बाद रिव्यू में देख लें आप सेम एज इट इज़, जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हैं उस तरह से हैं। मार्केट लीडर की बात हो रही है, हम कंप्लीट कर चुके हैं। मार्केट चैलेंजेस अटैक की बात हो चुकी है, दो तरह के चैलेंजेस होते हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक हम बात कर चुके हैं। इस मार्केट के बारे में बात हो चुकी है, मार्केट फॉलोअर्स के बारे में बात हो चुकी है, दोनों के बारे में हम कर चुके हैं, मार्केट फॉलोअर्स के बारे में भी कर चुके हैं और मार्केट के बारे में भी कर चुके हैं। मार्केट स्ट्रेटजीज जो होती हैं प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की, आप इसी तरह से डायग्राम बनाएंगे तो आपको ज़्यादा वेटेज होगी मार्क्स लेने में। उसके बाद किस तरह से इन स्ट्रेटजीज को सेट किया जाता है इकोनॉमिक डाउनवर्ड रिसेशन के अंदर, हम ये भी पढ़ चुके हैं। तो होप सो आपको ये चैप्टर क्लियर हो चुका होगा, लेंथी है बट बहुत कंसेप्चुअल है, अगर आप इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आप आई होप सो कि पेपर में अगर पेपरों में इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।